वर्ल्ड लॉकअप के पहले जजमेंट डे की शुरुआत काफी धमाकेदार होती हुई नजर आ रही है, जहां पे कंगना रनौत का एक बैडास अंदाज हमें सामने नजर आ रहा है और किस तरीके से जजमेंट डे होगा इसका हमें क्लियर कट अंदाजा भी पता चला है। वेल, आज के एपिसोड में हमें पता चला है कि कैसे जैसे वीकेंड का जब टाइम आता है और जब जजमेंट डे आएगा, तब आखिर इन कैदियों के साथ क्या कुछ चीजें हो सकती है, ये कैसे हो सकते हैं जेल से बेघर और कैसे जेल में बच सकते हैं। वेल, आज से डेफिनेटली जो कंटेस्टेंट्स है उनका इस गेम को देखने का नजरिया काफी ज्यादा बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिग बॉस के गेम से काफी अलग है ये गेम, और जिन लोगों को लग रहा था कि ये तो बस बिग बॉस की कॉपी ही करेंगे, नहीं जी नहीं, देखिए रुकिए समझिए और फिर आपको पता चलेगा कि लॉकअप डेफिनेटली एक अलग चीज है, एक अलग गेम है, एक अलग कैप्टिव रियलिटी है और इसमें ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है जिससे कंटेस्टेंट्स एक्चुअली डर जाएंगे, शिवर कर जाएंगे, क्योंकि एक तो उन्हें यहाँ पे कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे को भी समझ के लेना है, एक दूसरे को भी इम्प्रेस करना है, एक दूसरे के साथ साथ भी चलना भी है, क्योंकि यहाँ के इन लोगों के वोट्स भी चार्जशीट के दौरान भी इम्पॉर्टेंट है और जजमेंट डे के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंगना को भी नाराज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंगना हर एक चीज़ देख रही है, उनका भी वोट काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाला है। साथ ही साथ जनता को भी आपको खुश रखना है क्योंकि जनता एट द एंड ऑफ द डे आपको बचाने वाली है। तो यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन जगहों से जो है बैंड बजती हुई नजर आएगी अगर जरा सा भी कोई भी कैदी चुके तो। वेल, आज के एपिसोड की बात करते हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं हूँ आपकी होस्ट संतोष वेदांगी कर्णिक, देख रहे हैं आप फीफा फूज। इंस्टाग्राम पे नहीं किया है फॉलो तो कर दीजिए, आरजे वेदांगी के नाम से आपको मिल जाऊंगी। वेल, कंगना रनौत अपने डैशिंग अंदाज में हमें नजर आती है जहां पे जजमेंट डे की जो है शुरुआत की जाती है, और सबसे पहले तो जेलर से बात होती है। करण कुंद्रा एज अ जेलर हमें दिखाई दे रहे हैं इनसाइड द लॉकअप हाउस, और उन्होंने पूरे हफ्ते का रिपोर्ट दिया कि किस तरीके से कैदी बिहेव कर रहे थे और कैदियों तक कंगना का कौन सा मैसेज है जो पहुंचा दिया है, कंटेस्टेंट्स अब किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें चल रही है और हफ्ते भर में क्या कुछ हुआ, उसका सारा रिपोर्ट जेलर यानी कि करण कुंद्रा ने कंगना रनौत को दे दिया। वेल, इसके बाद जो है कंगना सबसे पहले शुरुआत करती है कि वीकेंड के टाइम पे एक ग्रुप डिस्कशन होगा बिफोर द जजमेंट डे। ठीक है, जजमेंट डे से पहले अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। इस बार जो है हेल्थ और मेंटल वेलनेस के ऊपर, जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर बातचीत हो रही थी, जहाँ पे पूनम पांडे ने अपना एक काफ़ी ब्रूटल सच सामने लाया कि यहाँ पे कई लोगों को तकलीफ हो रही है लॉकअप के अंदर रहने की, इतने सारे यू नो रिस्ट्रिक्शंस है, ये है वो है, लग्जरी नहीं है। तब पूनम ने कहा कि आप लोगों के लिए ये तकलीफ है, मेरे लिए ये सुकून है, मेरे लिए ये कैद से बाहर निकलना है, क्योंकि चार साल में जिस रिलेशनशिप में थी, जिस शादी में भी थी, वहाँ पे ना मुझे अपना फ़ोन इस्तेमाल करने का फ्रीडम था, ना मुझे कहीं बाहर जाने का फ्रीडम था, ना खाना पीना खाने का फ्रीडम था, और मुझे कितने टाइम तो भूखा रखा जाता, मारा जाता था, पीटा जाता था, तो मैं बहुत सारी चीज़ों से जो है गुजरी हुई हूँ और ये मेरे लिए एक लग्जरी से कम नहीं है कि यहाँ पे मैं खुले सांस ले सकती हूँ, लोगों से बातचीत कर सकती हूँ, अपने मर्जी से रह सकती हूँ। तो एक काफ़ी इमोशनल साइड जो है पूनम ने अपने सामने दिखाई, उसी तरीके से निशा ने भी अपनी एक इमोशनल बात सामने रखी हुई है, जहाँ पे उन्होंने बाइपोलर होने की बात पे अग्री किया और किस तरीके से उनका मिसकैरेज हुआ, और उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड करण के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया हुआ है कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशन में भी उन्हें मारा पीटा जाता था, मेंटल टॉर्चर और मेंटल अब्यूज़ किया जाता था। वेल, ये सुनकर जो है मिसकैरेज की बात सुनकर केवी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, रोते रोते बाथरूम में चले जाते हैं। शिवम उन्हें मना के जब बाहर लेके आते हैं, उन्होंने अपनी भी मिसकैरेज की स्टोरी जो बाकी लोगों को नहीं बताई वो अभी बता दी और कहा कि किस कदर जो है उनका पिछले ही साल मिसकैरेज हुआ था, उनका और टीजे उनकी जो वाइफ है उसके बारे में उन्होंने बात की, काफ़ी रोना आया एंड वो रोए भी थे। तो ये तीन इमोशनल स्टोरीज जो है सामने उभर के आई थी जब लोग वहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, ग्रुप डिस्कशन हो रहा था। उसके बाद कंगना आती है। कंगना आने के बाद हमें तो लग रहा था कि कंगना काफ़ी ज़्यादा जो है मुनव्वर की बैंड बजाएंगी, मुनव्वर के बारे में ये कहेंगी वो कहेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अलग अलग स्टेटमेंट्स उन्होंने बता रहे थे और ट्वीट भी उन्होंने जो है कंगना को टैग करते हुए किया था, विराट एंड अनुष्का की बेटी या बेटा जब होने वाला था
जब वो प्रेग्नेंट थी कि क्या वो भी नेपोटिज्म होगा अगर वो क्रिकेट में जाना चाहेंगे या एक्टिंग में जाना चाहेंगे। तो लग रहा था इसके ऊपर मुनव्वर की क्लास लगने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत मुनव्वर को सुना दिया, लेकिन उसके बाद जो है उनके गेम की तारीफ भी की कि तुम अच्छे चल रहे हो, तुम्हें एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, खुद के लिए भी खेल रहे हो और टीम के लिए भी खेल रहे हो, मैनिपुलेट भी कर रहे हो, लेकिन अच्छा है, इस गेम में सब कुछ जायज है, सब कुछ अलाउड है। मुनव्वर की वहां पे तारीफ हुई। कंगना ने उसके बाद साइशा को डांटा कि किस तरीके से वो गार्ड्स के ऊपर जो चिल्लाई थी वो कॉइन टास्क के टाइम, ब्लफ टास्क के टाइम, तो वहां पे जो है उन्होंने साइशा को अच्छी खासी सुनाई, साइशा ने माफी भी मांग ली। पायल को भी डांट लगाई कि उन्होंने अपने सबसे ज्यादा जो करीबी लोग हैं यानी कि बबीता जी और चक्रपाणि स्वामी, इन दोनों को ही इन्होंने नॉमिनेट कर दिया। जो भी रीजन था, इससे ये साफ होता है कि जो उनके साथ खेलना चाहता है, जो उनके साथ रहना चाहता है, वो उन्हें ही दूर खेल फेंकती है। तो इसके बारे में भी कंगना ने जो है बात की है। सिड को भी डांटा, उन्होंने जो रेप वाला कमेंट किया था शिवम के अगेंस्ट, उसके बारे में उन्होंने डांट भी पड़ी और उन्हें कहा कि उसके बाद लगता है तुम इतने गिल्टी हो गए, शांत हो गए, कुछ करो, कुछ बोलो, जो चाहे करो, लेकिन कुछ तो बोलो, शांत मत रहो, वरना यहाँ का टिकट जो है खत्म हो जाएगा, टिकट कट जाएगा बाहर की दुनिया का। तहसीन के बारे में कहा कि आप में बहुत सारी चीजें, लीडरशिप क्वालिटी, अच्छा खेल रहे हो, लेकिन बिरयानी हो, लेकिन आप में कोई नमक नहीं है, एक्सपेक्टर नहीं है, एक्सपेक्टर को जगाने की कोशिश करो। अंजलि ने परम सुंदरी के ऊपर डांस किया। निशा को भी अप्रिशिएट किया गया, जिस तरह से उन्होंने सिंगल पेरेंटिंग इश्यूज के बारे में बात की, किस तरीके से वो अपने बेटे को अकेले संभाल रही है, एक काफी एम्पावरिंग स्टोरी उनकी थी और उसके बारे में भी उन्हें अप्रिशिएट किया गया कंगना की ओर से। उसके बारे में उसके बाद बबीता से बात हुई कि आप आपके एक साल के बेटे को मिस कर रही हो, ऐसा लग रहा है आप मेंटली इमोशनली यहाँ हो ही नहीं, अपने बेटे के साथ हो। तब यहाँ पे बबीता है जो है वो कहती है कि यस, ऐसा थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि अगर मैं ये टाइम पे मेरा ओलंपिक खेलने या कोई चैंपियनशिप के अगर मैं जा रही होती तो मुझे मेरा बेटे की याद नहीं आती, जब एक साल का हो रहा है मुझे बेटे की याद नहीं आती, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम की याद आती और अपनी ट्रॉफी मेडल की याद आती, और अब मैं ऐसा ही करूँगी और गेम पे पूरा फोकस करूँगी। इस बारे में भी बबीता ने कंगना को आश्वासन दिया हुआ है। उसके बाद एक गेम खेला गया आरोप का, जहाँ पे खुलेआम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने थे, एक्सेप्ट फॉर द पीपल जो ऑलरेडी चार्जशीट में नॉमिनेट हुए हैं, यानी कि शिवम, सिड, चक्रपाणि स्वामी, अंजलि एंड मुनव्वर, इनके अलावा किसी पे भी कोई भी चार्जेस जो है लगाए जा सकते हैं। तब इनमें से हाइलाइटिंग जो थी उसके बारे में बात करते हैं। जब तक मेरे से लो लोग होंगे तब तक मैं बोलूंगी, अगर मेरे से ऊपर अगर कोई होंगे तो मैं नहीं बोलूंगी, और मैं खेलूंगी तो अपने तरीके से खेलूंगी, वरना खेलूंगी ही नहीं। ये केवी का जो था आरोप था पायल के ऊपर, और इस बारे में जो है कंगना भी अग्री करती है कि आप ऐसे खेल रहे हो जैसे कि अगर आपको लीडर बनाया तो ही आप खेलोगे, क्योंकि वहाँ पे पायल आरोप लगाती है कि नहीं, यहाँ पे जो है करणवीर और मुनव्वर जो कहते हैं सब वही सुनते हैं, मेरा कोई सुनता ही नहीं है, मैं ओपिनियटेड हूँ, मेरा ओपिनियन सुनता नहीं। तब यहाँ पे कंगना ने काफी सही बात बोली कि आप यहाँ पे आए हो, अपने लिए आए हो, अपनी पर्सनालिटी क्या है वो दिखाने के लिए आओ, लेकिन यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी कोई भी दिख नहीं रही है, क्योंकि आप एक नेगेटिव ही पर्सन दिख रहे हो, क्योंकि आप आधा टाइम सिर्फ क्रिबिंग करते रहते हो। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको टीम लीडर होकर ही टीम को लीड करना है, कभी कभी टीम के मेंबर भी बनो, किसी को फॉलोअर, किसी को लीडर, ये बोलिए से अच्छा एज अ टीम प्लेयर खेलो। तो यहाँ पे जो कंगना ने बात बोली काफी सही लगी, क्योंकि हफ्ते भर में हमने देखा यार, मैंने तो आपको कितनी बार बोला कि मुझे ये पायल बहुत ज्यादा क्रिबिंग लगी, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ओपिनियटेड है, सब कुछ सही है, अच्छा भी खेल रही खुद के लिए, लेकिन कभी कभी ओवर द टॉप हो जाता है, ओवर द टॉप उनकी डिमांड्स होती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में कहती रहती है, वो थोड़ा मुझे ओवर द टॉप ही लगता है उनका, बट होपफुली कंगना ने चीज़ें बोली है तो शांत होती हुई नजर आ सकती है। केवी को कहा गया कि चीटिंग करना है तो करो, लेकिन पकड़े मत जाओ। ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट जो है कंगना ने दी, जैसे हमें पता है कि वो जो कॉइन वाला टास्क हुआ था, ब्लफ वाला टास्क हुआ था, वहाँ पे केवी ने चीटिंग करी थी, वहाँ पे जो है कॉइन्स उन्होंने अंजलि की बॉक्स में ऐड कर दिए थे, पूरी टीम को पता था ये चीटिंग वीटिंग हो रही है, पर यहाँ पे जो है कंगना ने कहा कि आप चीटिंग कर सकते हो, यहाँ पे चीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पकड़े मत जाओ। तो ये गेम काफ़ी डिफरेंट लग रहा है कि अगर चीटिंग की तो डिस्क्वालीफाई तभी होगे अगर आप पकड़े गए, अगर आप पकड़े ही नहीं गए तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कोई कर ही नहीं सकता। तो बस चीटिंग करना है तो करो, पकड़े मत जाओ, और यही चीज़ करण लेके चल रहा है कि अब तो आगे जाके मैं जो चीटिंग करूँगा एकदम सॉर्टेड वे में करूँगा, तक मैं पकड़ा ही ना जाऊँ। वो मुझे एक जो
उसके अंदर का स्पिरिट था केवी का काफी इंटरेस्टिंग, काफी फनी लगा. कोई होता तो कहता नहीं यार मैं कभी चीटिंग नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, बट केवी वाज लाइक अब मैं चीटिंग करूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा. सो आई एम लाइकिंग द वे ही इज गोइंग. एंड यू नो हमारा एक फ्रेंड जो होता है जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं, मुझे केवी वैसा लगता है. व्हेन आई वॉच हिम ऑन द शो आई फील लाइक ही इज अ फ्रेंड टू मी. और वो एज अ फ्रेंड उसके जो चीजें कर रहा है, मैं एज अ फ्रेंड उसे देख रही हूँ, एज अ फ्रेंड आई एम एंजॉयिंग हिम watching him, I enjoy watching him. So, you know, it is like, what do you say? I am liking the way he is going around. और उनके वो लूजर वाला चीज़ है कि 10 चीज़ें 10 शोज नहीं जीते, 11 बार जीतोगे क्या. तो उसके बारे में भी कंगना ने उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया कि लोग बोलेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या बोलेंगे, तब आप आगे जा सकते हो. और केवी को भी वो चीज़ अग्री हुई कि लोग चाहे जो भी बोले, ही इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू इट वॉट सो एवर एंड ही इज़ गोइंग टू फोकस ऑन वॉट ही इज़ डूइंग. सो वो चीज़ मुझे केवी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी. पूनम डूड एज आई टोल्ड यू, पूनम इज लाइक ऑन फायर. अपनी जो जो चीज़ें हैं हर एक चीज़ बता रही है, नो फिल्टर, और अपने दिल में जो चीज़ें हैं वो बोल देती है. काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन उसे पता है कि कहाँ चुप रहना है कहाँ नहीं. पायल के ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि पायल काफ़ी वाइनिंग है, काफ़ी इरिटेटिंग है, और वो पायल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बिकॉज पायल सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करना चाहती है, मुझे सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मुझे शैम्पू ही चाहिए, मुझे सनलाइट ही चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. तो मुझे डिमांड्स उसके बिल्कुल पसंद नहीं आते और बहुत वाइनिंग है, बहुत इरिटेटिंग है, इस तरीके से पूनम ने बात कही. वैसे पूनम अकेले खुद के लिए नहीं कह रही है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू अग्री टू द फैक्ट कि वो ज़्यादा वाइनिंग हो गई थी. शी वॉज यू नो क्रिबिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स और देखने में भी इरिटेट लगता था कि ठीक है चलो कभी कभी आप डिमांड वगैरह करते हो ठीक है तकलीफ है, लेकिन सारे एपिसोड्स में हम देखें उनका कोई फन एंगल है ही नहीं, उनका कोई मस्ती है ही नहीं, एकदम सीरियस और एकदम अग्रेसिव लुक, या फिर झगड़े के ही मूड में, या फिर किसी के खिलाफ कुछ बोलने में, या विक्टिम कार्ड खेलने में उनका जाता है. सो शी नीड्स टू लिटिल बिट लूजन अप एंड थोड़ा मिक्स करने की अपने आप को उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा आई वुड रियली हैव टू से. सिड को खुद को लगाना पड़ा क्योंकि कंगना ने कहा था कि अगर आप किसी को लगाने नहीं चाहते खुद को लगाना पड़ेगा. काला कलर सा खुद को उन्हें जो है पोतना पड़ा क्योंकि उन्हें किसी और के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना था. काफ़ी सेफ प्ले करते हुए सिद्धार्थ दिखाई दे और जिस तरीके से कंगना ने कहा कि ये काफ़ी गुडी टू शूज़ बनने की कोशिश करें, आई एग्री टू इट, काफ़ी ज़्यादा गुडी टू शूज़ खेलने की वो कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आए, विच वॉज नॉट नीडेड एट ऑल. उसके बाद जो है अंजलि के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए, फिर अंजलि ने भी इल्ज़ाम लगाया, अंजलि ने भी काफ़ी सही तरीके से पायल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि नो आप ऐसे किसी के बारे में नहीं बोल सकते. सबसे ज़्यादा ऑरेंज के टीम ने टारगेट पायल को ही किया था कि यू नो क्रिबिंग है, ये नहीं सुनती वो नहीं सुनती, टीम प्लेयर नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन ओवरऑल अगर सारे 13 कंटेस्टेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है आरोप किसी के ऊपर लगाए गए थे तो वो थे करणवीर, और करणवीर के ऊपर ज़्यादा काला कलर जो है पोता गया था और ही वॉज द मोस्ट आरोपाफाइड सदस्य, हम ऐसे कह सकते हैं, सदस्य नहीं कैदी, चेंजेस है, कैदी इज अ कैदी, दिस पीपल आर कैदीज, या वी हैव टू रिमेंबर दैट. ओके, उसके बाद जो है चार्ज शीट की बात होती है. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे पता चलता है कि अगर आपको सरवाइव करना है कंगना के बैराज जेल में, लॉकअप के अंदर अत्याचारी खेल खेलते रहना है, तो आपको बचने के 3 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 की जनता जो आपको बचाएगी, जजमेंटल जनता, ठीक है, जजमेंटल जनता सबसे ज़्यादा वोट्स जिसे मिलेंगे वो बच जाएगा, और मुनव्वर को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले इसलिए मुनव्वर जो है बच गए. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको आपके को कैदियों से भीख मांगनी होगी, बैक करना होगा, प्लीड करना होगा, तब जाके आपको जो है यहाँ पे रहने का मौका मिल सकता है. अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा पंगा करना शुरू ही किए थे कि कंगना ने आज बता दिया कि भाई यहाँ पे अपने को कैदियों के पास भी ऑप्शन है अपने आप को बचाने का, एक दूसरे को बचाने का. तो इन लोगों को जो है एक काली हैट दे दी गई और हर एक कंटेस्टेंट को जो है, हर एक कैदी को जो नॉन जो सेफ थे, मुनव्वर तो सेफ हो गया, तो बाकी ये लोग जो इन चारों को छोड़ के बाकी लोग जो सेफ थे, इन सब के हाथ में एक एक कॉइन दिया गया और उन्हें वोट करना था कि आप किसे बचाना चाहते हो. तो हर एक जन अपने अपने टर्न से भीख मांग रहा था, प्लीड कर रहा था कि टोपी लेके मुझे बचा लो, मुझे बचा लो. तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि आपको आपके खुद के को कैदी बचा सकते हैं, तो को कैदियों के साथ कितने अच्छे से बना के चलना पड़ेगा ये भी दिखाई दे रहा था. जहाँ पे जो है
प्लीड करने के बाद और मिन्नत करने के बाद शिवम को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, सिद्धार्थ को 2 मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद अंजलि को भी 2 मिलते हैं, चक्रपाणि स्वामी को भी 2 मिलते हैं, और 4 मिल जाते हैं सिद्धार्थ, 4 मिलते हैं शिवम को, और इसलिए शिवम जो है बच जाते हैं सेकेंड राउंड में। अब बचे हैं 3 लोग, अब इन तीनों में से कोई और एक बच सकता है, अभी पता नहीं 1 बचेंगे या 2 बचेंगे, क्योंकि कल का भी जजमेंट डे जो है शुरू है, कल भी हमें जो है पता चलेगा। अब ये तीसरा राउंड काफी खतरनाक है, इन तीनों में से किसी एक को मौका मिलेगा अपने सीक्रेट को बाहर लाने का, अपनी सीक्रेट बताने का, जो मीडिया में, उनके रिलेटिव्स में, उनके फैमिली में, किसी भी फ्रेंड सर्कल में, किधर भी किसी को नहीं पता, एंड यू हैव टू टेक आउट दैट वन सीक्रेट ऑफ योर्स टू गेट योर सेल्फ सेव्ड। तो ये होता है अपना सीक्रेट बताना, जिसके बारे में कंगना ने पहले भी बताया था। अब यहाँ पे कंगना ने ये बात बोलती है, अंजलि ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया, क्योंकि बचे हैं कौन, सिद्धार्थ, अंजलि और चक्रपाणि स्वामी। तो अब यहाँ पे जो है अंजलि हाथ खड़ा कर देती, लेकिन कंगना कहती है आज नहीं, ये आपको करना पड़ेगा कल, और कल के एपिसोड का इंतजार करना होगा। अब यहाँ पे अंजलि कंप्लीटली तैयार है अपना सीक्रेट लाने के लिए, चक्रपाणि स्वामी इज कंफ्यूज क्या करे क्या नहीं करे, सीक्रेट लाए ना लाए। सिद्धार्थ अगेन एपिसोड में कहीं दिखते ही नहीं है, दिखाई भी नहीं देते, और अगर आई थिंक पूरा अगर ऑडियंसिस के ही हाथ में होता कंप्लीटली, जैसे बिग बॉस में भी होता है, तो चक्रपाणि स्वामी या फिर सिद्धार्थ में से कोई ना कोई आउट होता, शायद चक्रपाणि स्वामी होते, क्योंकि सिद्धार्थ फिर भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल है, आगे जाके खुलता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन अभी हाथ में बात जो है कंगना के भी है, कि कंगना ऑल्सो हैज अ पावर टू सेव। तो क्या कंगना सीक्रेट के बेसिस पे कोई एक जन बचेगा और फिर दोनों में से एक को कंगना बचाएगी, या फिर सीक्रेट एक के एक से ज्यादा, अगर समझो 2-3 लोगों ने, नहीं तो 2 लोगों ने अपनी सीक्रेट बताई, तो दोनों में से किसी को सेव करना है जो कंगना करेगी, तो फिर बाकी बचे हुए 2 का क्या, तो क्या 2 का एलिमिनेशन होगा, 1 का एलिमिनेशन होगा, ये जानने के लिए हमें कल का एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन आज के एपिसोड के एंड में जब कंगना चली जाती है, हम देखते हैं किस कदर जो है मुनव्वर अपनी बातें मनाने के लिए कंधे में लेके तहसीन को जाते हैं, चलो चलो चलो, फिर वो लेके जाते हैं साइशा को, चलो चलो चलो। तो यहाँ पे जो है उनकी जो एक स्टाइल है लोगों को लपेटने की, लोगों के साथ गेम खेलने की, वो भी नजर आ रही है। साइशा भी धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रही है, कह रही है कि मैं खुद के लिए खेलूंगी, मेरी टीम के लिए नहीं, पता नहीं आज ये टीम है कल कौन सी टीम होगी, ये भी हमें दिखाई दिया। तो एवरी पर्सन इज फॉर देमसेल्व्स, अब ये उन्हें पता चला है, लेकिन साथ ही साथ टीम में रहना या अपने साथ एटलीस्ट अपने कोई कनेक्शंस बना के रखना जो आपको इस शो में टिकवा सकते हैं, और अगर आपको आउट नहीं होना है, आपको मेजॉरिटी वोट चाहिए और बचाने के लिए, अगर आपके लोगों ने ही आपके ऊपर चार्जशीट डाल दी तो बचाएंगे भी वही, तो इवन दो चार्जशीट लगाई फिर भी बचना है, तो इन लोगों के अच्छे गुड बुक्स में रहना पड़ेगा। यहाँ पे अंजलि को काफी बुरा लगा कि मुनव्वर सेव हो गया, मुनव्वर के सामने वो बात करती, अरे मैं तो, मुझे मेरे ऑडियंस से, मेरे फैंस से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, मुझे बचाएंगे, मुझे नहीं बचाया। तो मुनव्वर कहता है होता है यार, होता है ऐसा, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। सो ये था आज का एपिसोड, आई थिंक फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ जजमेंट अच्छा था, बट इसमें और थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ आता और थोड़ा कुछ मसाला आता तो ज़्यादा मज़ा आता, बिकॉज आज का थोड़ा सा मुझे सिर्फ फ्लैट टाइप लगा एपिसोड, इतना कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं लगा। कंगना जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में बोल रही थी अच्छा लग रहा था, लेकिन कई कई जगह पर चुप भी हो रही थी, स्पेशली पायल को ज्यादा वो जवाब भी नहीं देती, पायल इतनी सारी चीजें कह रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि कंगना का और थोड़ा सा दरारा जो है एज अ होस्ट होना और ज्यादा पावरफुल है, तो पावर दिखाने की बात है, तो शायद इन लोगों को कल के एपिसोड से रियलाइज हो जाएगा कंगना की पावर काफी इंटरेस्टिंग है, कंगना से पंगे ना ले। सो आई होप, अभी ऑब्वियसली कंगना का पहला ही ऐसा एपिसोड था, पहला ही रियलिटी शो है, पहला ही एपिसोड है जहाँ पे जजमेंट डे हुआ है, सो लेट्स नॉट जज हर ऑन दिस बेसिस, बट आई थिंक शी डिड अ फेयर जॉब, अच्छा जॉब किया, बाकी सब भी अच्छे थे, लेकिन थोड़ा और कंटेंट मिल जाता तो मजा आता। क्या है आपका कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आपको क्या है कहना, जो बचे हुए 3 सदस्य है, बचे हुए 3 जेल मेट्स है, इनमेट्स है, इनमें से कौन बचना चाहिए, इनमें से कौन होना चाहिए आउट, बता दीजिए अंजलि, सिद्धार्थ एंड चक्रपाणि स्वामी के बीच, इन द कमेंट सेक्शन। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय।